ओम शांति। आज का विषय है मनसा सेवा। मनसा सेवा विश्व सेवा का एक बहुत इजी साधन है, इसको हम समझेंगे आज। हमारे पास तीन शक्तियाँ होती हैं, मनसा शक्ति, वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति। कर्मणा शक्ति माने श्रेष्ठ कर्म की शक्ति। बाबा हमसे हमेशा कहते हैं कि बच्चे इन शक्तियों को जमा करो। तो हमें ये देखना है कि हमने अपने आप को चेंज करने के लिए, स्व परिवर्तन के लिए और सेवा के लिए इन शक्तियों को कहाँ तक धारण किया है, माने टू व्हाट एक्सटेंट हमने इनको धारण किया है। क्यों? क्योंकि विजयी रत्न बनने के लिए ये तीनों ही शक्तियां आवश्यक हैं। अगर इन तीनों में से एक शक्ति भी कोई कम है तो क्या होता है, वर्तमान में जो हमको प्राप्ति होती है वो भी कम हो जाती है और हमारी जो भविष्य प्रारब्ध है वो भी कम हो जाती है। तो विजयी रत्न का मतलब ही है इन तीनों शक्तियों से संपन्न। तो हमको इन तीनों शक्तियों से संपन्न बनना है, मनसा शक्ति, वाचा शक्ति और कर्मणा शक्ति। ऐसे ही सतयुग में हम राजा बनते हैं, तो सतयुगी राजा बनना और विश्व राजा बनना, इसमें भी डिफरेंस है। जैसे सेवाधारी बनना और विश्व सेवाधारी बनना, इन दोनों टर्मोलॉजी में भी अंतर है। क्या अंतर है? सेवाधारी तो अनेक होते हैं, लेकिन विश्व सेवाधारी कोई कोई होते हैं। सेवाधारी का अर्थ हुआ कि ये जो तीन शक्तियां हैं, इन तीन शक्तियों की नंबर वार यथाशक्ति धारणा, यानी हर आत्मा अपने अपने शक्ति के अकॉर्डिंग नंबर वार इन तीनों शक्तियों को स्व परिवर्तन प्रति और विश्व सेवा के प्रति धारण करती है। लेकिन विश्व सेवाधारी कौन है? विश्व सेवाधारी माने इन तीनों शक्तियों की संपन्नता, भरपूरता। तो ये हुआ विश्व सेवाधारी। तो मनसा सेवा पे आज हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्तमान समय के प्रमाण ये सेवा बहुत ज़रूरी भी है। और विश्व सेवाधारी अगर हम बनना चाहते हैं तो उसका ये एक सहज इजी साधन है, लेकिन इसको समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि मनसा सेवा के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं। सबसे पहले हम इस शक्ति के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। मनसा शक्ति माने संकल्प शक्ति या मानसिक शक्ति। इसके द्वारा हम किसी भी आत्मा को, चाहे हमारे नज़दीक है, सम्मुख है, समीप है या हमसे कितना भी दूर है, हम उस आत्मा को सेकंड में प्राप्ति की शक्ति की अनुभूति करा सकते हैं। सेकंड में, क्या आत्मा तीखा रॉकेट है ना, तो संकल्प की शक्ति से, क्योंकि सूक्ष्म जो होता है वो स्थूल से शक्तिशाली होता है, तो सेकंड में हम उसको प्राप्ति की अनुभूति करा सकते हैं। मनसा शक्ति के द्वारा कोई भी आत्मा जिसकी मानसिक स्थिति हलचल वाली है उसको हम अचल बना सकते हैं, क्योंकि मानसिक शक्ति का अर्थ होता है शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना। इससे किसी भी आत्मा को हम परिवर्तन कर सकते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे कोई कोई संशय बुद्धि होते हैं तो उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, कोई कोई का बहुत व्यर्थ भाव वाला नेचर होता है तो उनके व्यर्थ भाव को हम समर्थ भाव में चेंज कर सकते हैं। कोई कोई आत्मा कहते हैं कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा नेचर ही ऐसा है, तो आत्मा के स्वभाव को भी हम बदल सकते हैं। वास्तव में स्वभाव का अर्थ होता है स्वप्रति व सर्वप्रति भाव। जैसे कहते हैं ना, शांति स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वभाव है, तो स्वप्रति भी और सर्वप्रति भी जो हमारा भाव है उसे कहते हैं स्वभाव, नेचर। तो आत्मा के जो ओरिजिन क्वालिटीज़ हैं वही आत्मा का नेचर है। लेकिन ये हम जो बोलते हैं ना मेरा नेचर,
ये देह वाला होता है, देहभान वाला होता है। तो श्रेष्ठ भावना की शक्ति से हम आत्मा के स्वभाव को भी, यहाँ तक कि हम भगवान के समीप भी ला सकते हैं और किसी भी आत्मा की भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। और क्या आप कहेंगे, कोई हिम्मतहीन है तो उसको हिम्मत दे सकते हैं। तो दूर बैठे किसी भी आत्मा को बाप का बनने का उमंग दे सकते हैं, उत्साह पैदा कर सकते हैं, तो वो आत्मा भी ये अनुभव करेगी कि ज़रूर मुझे कोई महान शक्ति बुला रही है, कुछ प्रेरणाएं मुझे आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ, ऐसे वो आत्मा भी अनुभव करेगी। तो अब हम समझेंगे कि ये जो मनसा शक्ति से जो इतने सारी श्रेष्ठ सेवा होती है, ऐसे चमत्कार होते हैं, तो उसकी विधि क्या हुई? इसकी विधि हुई श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भावना। तो अब हम ये भी समझेंगे कि कौन कर सकता है मनसा सेवा। मनसा सेवा करना माने मनोबल की सेवा, तो मन शक्तिशाली हो, मजबूत हो, माने संकल्प शक्ति मजबूत हो। संकल्प शक्ति कैसे मजबूत होती है? जब आत्मा समर्थ होती है। और आत्मा समर्थ कैसे बनती है? जब वो ज्ञान रत्नों से खेलती रहती है। तो मनसा सेवा वही कर सकता है जिसकी स्वयं की मनसा माना संकल्प हमेशा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। इस बात को अंडरलाइन करिए, जिसकी संकल्प हमेशा ही और सभी के लिए श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, यानी सर्वप्रति शुभ भावना, सर्वप्रति शुभ कामना, परोपकार की भावना हो हमेशा। अपकारी है तो उस पर भी उपकार करने की भावना हो, दातापन की भावना हो कि मैं आत्मा मास्टर दाता हूँ। तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं वो अपना परिवर्तन करते हुए, स्वयं के द्वारा श्रेष्ठ कर्म को सामने प्रस्तुत करते हुए दूसरों को भी ऐसा ही श्रेष्ठ कर्म करने की, अपने आप को बदलने की प्रेरणा देने वाले होते हैं। वो ऐसे थॉट नहीं क्रिएट करते कि मैं तब करूं जब कोई दूसरा करे, सामने वाला करे तो मैं करूं, या थोड़ा तो वो कुछ करे, ऐसी भावना उन्हें नहीं होती। बल्कि कोई नहीं भी कर सकता है तो भी सदा ही रहम की भावना, सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना उनमें होती है। तो ये है, इसको कहा जाता है मनसा सेवा धारी। और एक और बात भी है, जैसे वाचा और कर्म के लिए तो हमको जाना पड़ता है, लेकिन मनसा सेवा हम कहाँ पर भी बैठकर आराम से कर सकते। एक ही स्थान पर हम हैं, वहाँ स्थित होकर हम चारों ओर की सेवा को कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जैसे हम किसी को सम्मुख संदेश देते हैं ना, सामने वाणी से बोल के, फेस टू फेस, तो मनसा शक्ति की सेवा से भी बिल्कुल वो आत्मा ऐसे ही अनुभव करेगी जैसे कि कोई सम्मुख बोल रहा है, दूर होते भी सम्मुख का अनुभव करेगी। तो ये विश्व सेवाधारी अगर हमें बनना है तो उसका एक सहज साधन है। जैसे आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट होते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो कई बार जब वो पृथ्वी की आकर्षण से परे माने अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो स्वतः ही हल्का महसूस करते हैं। इसी तरह से जो मनसा शक्तिशाली वाली आत्मा होगी ना, वो बहुत डबल लाइट स्वरूप में रहेगी हमेशा ही। और अंतरिक्ष यान में जैसे जब जाते हैं तो अगर हमें अर्थ का, पृथ्वी का कहीं भी कोई फोटो लेना है तो आराम से हम वो फोटो ले सकते हैं, क्योंकि हम ऊंची स्थिति में हैं अंतरिक्ष यान में। बिल्कुल ऐसे ही मनसा सेवाधारी का यान कौन सा है? अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखी यान द्वारा साइलेंस की शक्ति से क्या कर सकते हैं? किसी भी आत्मा को अगर हमें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देनी है दे सकते हैं, चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देनी है वो हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, साइंस पर साइलेंस की विजय। तो साइंस वाले तो बहुत टाइम लगाते हैं इसमें और मनी भी बहुत लगती है, लेकिन हम तो बिना खर्चे के और थोड़े ही समय में बहुत सारी सेवा कर सकते हैं। तो वो आत्माएं भी अनुभव करेंगी कि ये कौन थे, ये कहाँ से आए थे, ये क्या देकर गए हैं, ऐसा वो अनुभव करेंगी। तो बाबा कहते हैं ना, अपने अंतवाहक शरीर द्वारा विश्व भ्रमण करो, सेवा करो, बाप का संदेश दो, सिर्फ इतना कहो कि बाप आ गया है, तो उन्हों को अनुभूति होगी, वो आकर्षित होंगे।
तो इसके लिए हमें जो ज़रूरी है वो ये है कि हमारी मंसर शक्ति व्यर्थ से मुक्त होनी चाहिए। व्यर्थ से मुक्त होने की सबसे सरल सहज विधि है कि हम समर्थ बने। हम व्यर्थ का रोना ना रोएं, व्यर्थ की चिंता नहीं करें। जितना हम समर्थ भरेंगे अपने अंदर, व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत ईजी है। आप जितना मुरली से प्यार करोगे, मुरली को स्टडी करोगे, आपको व्यर्थ से बोरियत होने लगेगी, व्यर्थ आपके जीवन से दूर जाने लगेगा, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। तो जिस आत्मा की स्थिति समर्थ है वो शक्तिशाली ज़रूर है, और शक्तिशाली आत्मा बनती है, मनोबल आत्मा का ऊंचा होता है नॉलेज से। तो नॉलेजफुल होना क्या है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि जो सदा नॉलेजफुल है वो ही सदा पावरफुल आत्मा हो सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि मिलिट्री वाले होते हैं, तो वो किस आधार पर अपने आप को शक्तिशाली या फियरलेस फील करते हैं? क्योंकि उनके पास शस्त्र होते हैं, बंदूक होते हैं। या किसी के पास भी बंदूक है तो वो क्या फील करते हैं? कि हम फियरलेस हो गए या पावरफुल हो गए। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, जब हम उसको जीवन में धारण करते हैं, तब वो शस्त्र बन जाता है और शक्ति का स्वरूप बन जाता है। अगर हम ये कहते हैं माया के लिए कि माया आ गई, अब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं पड़ा ये हो कैसे गया, तो इसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। क्योंकि नॉलेजफुल में सिर्फ ये नहीं है कि हमको रचता और रचना का आदि मध्य अंत का ज्ञान पता चल गया। नॉलेजफुल का मीनिंग ये भी है कि माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानना, ये नॉलेज भी हमको मिली है, तब हम पावरफुल बनते हैं। और हमारे पास परखने की शक्ति भी ज़रूर होनी चाहिए। तो नॉलेजफुल कौन है? जो समझदार है, जो पहले से ही जान रहा है कि माया आने वाली है और उसको दूर से ही भगा देता है। जैसे किसी को फीवर आने वाला है तो अंदर से पता चलने पड़ता है ना, सिम्टम फील होने लगते हैं, लगता है कि मुझे फीवर आ जाएगा। जैसे पहले जुकाम हुआ, हल्का सिर दर्द हुआ, अब लगता है कि ज़रूर फीवर मुझे आ जाएगा, या हल्की हरारत तक भी पहुँचते हैं तो फटाफट दवा लेते हैं, अपने को ठीक कर लेते हैं, प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी को नॉलेज नहीं है, बेसमझ है, तो वो बुखार उसको आ ही जाएगा, तो भी वो चलता फिरता रहेगा और उसका बुखार बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही माया आती है, लेकिन आने से पहले हमें उसको समझ लेना है, उसको दूर से ही भगा देना है, तो हमारा टाइम इसमें बच जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। क्योंकि बार बार अगर माया हम पे ऐसे ट्रायल करती रहेगी, हम ऐसे ही सरेंडर करते रहेंगे, वो आई पाठ पढ़ा रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर ये कमज़ोर होने की विधि हो जाएगी बार 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 बार। जैसे बार बार कोई बीमार पड़े तो कमज़ोर हो जाता है ना, तो ऐसे तो हमें क्या करना है, प्रोएक्टिव बनना है। प्रोएक्टिव के लिए हमें अपने परखने की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। माया का नॉलेजफुल बनना, माया के भिन्न भिन्न रूपों को समझना कि ये कुमार है या कुमारी है, अर्ध कुमार है, माता है, कोई भी है, सबके लिए जो भी माया आ रही है वो रूप बदल बदल के ट्रांसफॉर्म रूपों के साथ आती है। तो हमें उसको पहचानने की, परखने की शक्ति होनी चाहिए। परख लेंगे पहले से ही एडवांस में, तो ईजिली हम उसको भगा सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा और हम अब शक्तिशाली भी बने रहेंगे। तो यही है, नॉलेजफुल होना ही शक्तिशाली होना है। तो हम इस पर ध्यान दें और वर्तमान समय के प्रमाण हम मनसा सेवा ज़रूर करें। ओम शांति।